हेलो ऑल, क्या आप ऐसा झील देखना चाहते हैं जिसके एक तरफ पहाड़ हो और दूसरे तरफ बड़े बड़े जंगल? ऐसा ही वीडियो होने वाला है आज। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ इस कोविड महामारी में आप लोग सभी को सुरक्षित होंगे। घर से बाहर निकलने के समय मास्क ज़रूर पहने, और जब भी आप नाक और मुंह में हाथ देंगे तो हाथ को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर ले या हैंड वॉश कर ले। मैं अभी झारखंड इंटर कर चुका हूँ। मेरा आज का जो ट्रिप है उसका अगला डेस्टिनेशन है तोपचासी झील। इस ट्रिप का पहला पार्ट आप नहीं देखे हैं तो आप लोग वो देख लेवे। लाइक कमेंट ज़रूर करें। जो नए आए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दें, और अच्छे मोटो ट्रिप की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इस तरह का लोकेशन में बाइक चलाने का मज़ा ही आ जाता है, जैसे मुझे आ रहा है अभी। मेरे दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ और बीच रास्ते से मैं चला रहा हूँ बाइक। बहुत ही खूबसूरत और दूर से मुझे दिखाई दे रहा है तोपचासी। वाओ, अमेजिंग। कोई शब्द नहीं है मेरे पास इस प्राकृतिक दृश्य को वर्णन करने का। बस यही मैं कह सकता हूँ कि विंडोज एक्सपी के वर्ल्ड में मैं चलाया हूँ। मैं अभी मेरे पांच अन्य दोस्तों के पास जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य देखिए। बाएं तरफ तोपचासी झील को लेते हुए मैं जा रहा हूँ, और आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट दें, और जो मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरी अपडेट आने वाली वीडियो की अपडेट उनको मिलता रहे। एक ऐसा झील जो प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर और शहर के भीड़ भाड़ से अलग, अगर आप लोग देखना चाहते हैं और वो भी मेरे तरह बाइक से, तो अपना बाइक उठा लिए और कलकत्ता आगरा नेशनल हाईवे 19, जो NH2 भी कहा जाता है, गिरिडीहा से दाएं तरफ लेकर तोपचासी आ सकते हैं, या इस झील से धनबाद 37 किलोमीटर और बोकारो से 41 किलोमीटर दूर है, आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। झील के मोती जैसे जल को देखकर मैं तो चला नहाने, और आप लोग को छोड़े जाता हूँ इस हसीन वादियों में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।